कम हाँ अप्रॉक्स हो गया है। गाड़ी के पूरे एयरबैग सबको लेकर 108 से हॉस्पिटल गाइस। देख सकते हैं आप नेक्सॉन का पूरा एक साइड गया है और I-20 पूरी एक तरफा। एयरबैग इसके भी खुल चुके हैं। गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग अनदर डे। सो गाइस 14 मई आज है और सुबह के 5:30 बज रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ हल्द्वानी के लिए। सो आप देख सकते हैं पीछे वेदर सुबह सुबह का कैसा हो रहा है। 5:30 बज रहा है अप्रॉक्स अभी। सो गाइस मैं निकल रहा हूँ और सामान तो क्या लोड करने, एक बैग है मेरे पास वही डाल रहा हूँ, उसके बाद निकलता हूँ और इन्जॉय करिए आप मेरे साथ जर्नी। सो मिलता हूँ मैं गाड़ी में। तो गाइस मैं आ गया हूँ गाड़ी पे। मैंने गाड़ी कर ली है स्टार्ट, वार्म अप करने रख लिए है और बहुत प्यारा मौसम। सो अब निकल रहा हूँ मैं और मिलता हूँ आपसे आगे। सो गाइस ये हम पहुँच गए हैं अल्मोड़ा, ये स्टार्टिंग है अल्मोड़े की और हम बाईपास निकले हैं मेन मार्केट छोड़ के मतलब पीछे से। सो देखिए आप whispered promises straight to my heart I'd never noticed but you were never there, you were never there, hey you gave me roses set me apart all I feel was bliss but you were never there, you were never there। गाइस अभी मैं पहुंच गया हूं अल्मोड़ा और अल्मोड़ा से मतलब आगे पहुंच गया हूं और अभी रुका हूं मैं टी ब्रेक के लिए। सो यहां रुके हैं हम, ये खड़ी है अपनी गाड़ी और ये कोई रूट। सुबह के 7 बज रहे हैं अब और अभी यहाँ रुके हैं। सो चाय पीते हैं देन आगे कंटिन्यू करते हैं राइड। तो गाइस चाय आ चुकी है, ग्लास में आई है, ये स्टील के पहाड़ी स्टाइल में। तो गाइस ये पहुंच गए हम कैची धाम, ये रहा कैची धाम मंदिर। आज बहुत ज़्यादा रश है इसलिए मैं सही से शूट नहीं कर पा रहा हूँ। सो आप वैसे ही देखिए, देख सकते हैं ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा था। सो देखिए आप, यहाँ से निकल रहा हूँ मैं और आगे जाके आप लोगों को मिलता हूँ। तो गाइस ये हम पहुंच गए हैं भवाली और थोड़ा सा ट्रैफिक था नीचे से। सो भीमताल वाली रोड जो है ज़्यादा ट्रैफिक रहता है वहाँ, इस वजह से मैं ऊपर गेट होते हुए जा रहा हूँ। सो देखिए आप
गाइस अभी ब्रेक लिया है, यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट लिया है और ये गाड़ी खड़ी है अपनी। पहुंच गए हैं हल्द्वानी और यहाँ हो रहा है बहुत ज़्यादा गर्म। सो यहाँ का काम तो है नहीं कुछ आज, सो अभी जा रहा हूँ मैं रुद्रपुर और वहाँ जाके आप लोगों से मिलता हूँ। इसे फिनिश करता हूँ देन उसके बाद मिलता हूँ आपको। बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है तो भैया बना रहे हैं गोला, देख सकते हैं हद से ज़्यादा गर्मी हो रही है भाई, बहुत भयंकर। हमारा गोला तो गाइज मैं वापस आ गया हूँ हल्द्वानी, वहाँ का काम सारा निपट गया था, यहाँ का भी निपटेगी ऑलमोस्ट। सोच रहा हूँ आज के चला जाऊँ चनौता और अभी देखता हूँ क्या होता है। अभी तो फिलहाल मैं ये ले रहा हूँ हेली से, अभी मैं इसे लेता हूँ देन गाड़ी में जाके आप लोगों से मिलता हूँ। भाई बहुत भयानक गर्म है, बहुत भयानक गर्म है। सो गाइज मैंने आज सारा काम निपटा दिया है यहीं का, रुद्रपुर का, हल्द्वानी का। कम्प्लीटली सारा काम कर लिया है और यहाँ हो रही है बहुत भयंकर गर्मी, तो मैं आज ही वापस जा रहा हूँ चनौता, जहाँ मैं कल रुका था ना वहीं वापस जा रहा हूँ मैं, और वापस आज वहीं स्टे रहेगा क्योंकि यहाँ बहुत भयंकर गर्मी है। सो मैं निकल के आप लोगों से रहता हूँ। गाइज मैं निकल गया हूँ वापस, आज स्टे चनौता ही रहेगा, सुबह से चनौता। वहाँ के लिए निकल गया हूँ और मिलता हूँ रास्ते में आपसे। गाइज सब हो गया है, फ्यूल अप करवा लिया है यहाँ से और अब निकल रहा हूँ फाइनली। मिलते हैं रास्ते। गाइज अभी भवाली से नीचे आया हूँ, जस्ट आके यहाँ पे रुका हूँ, थोड़ा सा ब्रेक लिया है मैंने, कंटिन्यू राइड करना सही नहीं होता है ना सुबह। हाँ अप्रॉक्स हो गया है गाड़ी के पूरे एयर बैग सबको लेके 108 से हॉस्पिटल गाइस। एयर बैग देख सकते हैं हम, पूरे गाड़ी के खुल चुका है, मैं दिखाऊँ आपको। वो तो नेक्सॉन थी ये, देख सकते हैं आप एयर बैग पूरे खुल चुके हैं गाड़ी के गाइस। ये गाड़ी जो है ये एमपी गाड़ी है, फैमिली लेके आ रहा है और ये फैमिली लेकर आए थे बंदे जो एमपी है, एमपी 23 है। भाई हुंडई की गाड़ी देख सकते हैं आप, पूरी पिचक गई। नेक्सॉन का पूरा एक साइड गया है और i20 पूरी एक तरफा गई, कुछ भी नहीं बचा भाई इसमें तो, आगे से पूरी पिचक गई है, बच गई लेकिन। हाँ सो एयरबैग इसके भी खुल चुके हैं, सो गाइस अब निकल रहे हैं आगे राइड के लिए। मैं आप लोगों से भी ये कहना चाहूँगा कि बी केयरफुल, बहुत ध्यान से गाड़ी चलाइए, बहुत हाईवे बहुत बिजी रहता है आजकल यात्रा का टाइम है। गाइस यहाँ से निकलते हूँ मैं आगे, देन मैं भी निकलता हूँ यार, मुझे भी लेट हो रही है क्योंकि। आगे जाके मिलते हैं आपसे। गाइज मैं पहुंच गया हूं अभी अल्मोड़ा, थोड़ा मेरा कुछ काम था यहां पे वो भी निपट गया है। अभी पहुंचा हूं अल्मोड़ा और अल्मोड़ा की मैं ब्यूटी दिखाता हूं आपको, रात को अल्मोड़ा कैसा लगता है आप देखिए। गाइज देखो कितना व्यूसम यार, सच में बहुत ही शानदार। ये पूरा अल्मोड़ा है गाइज,
बहुत शानदार लग रहा है, बहुत खूबसूरत नज़ारे अल्मोड़ा के रात को। सो गाइज, अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। मैं आप लोगों को दिखाने के लिए रुका था कि यार आप लोग देख लें, जो भाई ने नहीं देखा, बहुत से लोगों ने देखा होगा, जिसने नहीं देखा तो वो मेरे ब्लॉग के थ्रू देख लें। और आइए, यहाँ बहुत अच्छी जगह है घूमने की। सो अभी मैं निकलता हूँ घर के लिए, लेट हो गया बहुत ज़्यादा। सो मिलता हूँ घर जाके डायरेक्ट। सो गाइज, आ गया था मैं घर अप्रॉक्स 8:30 बजे और अब बज रहे हैं 9:30। सो बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, अब नींद आ रही है, खाना बन रहा है, खाना खाता हूँ, देन उसके बाद मैं सीधे सो जाऊँगा। सो गाइज़, ये वाला व्लॉग मेरा यहीं तक था। आई होप आप लोगों को पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।